दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना सबसे ज्यादा जरूरी है? आखिर विपक्ष का होना क्यों जरूरी होगा जब लोकतंत्र में जनता खुद ही अपनी चुनी हुई सरकार से चाहती है कि वो देश चलाए? इसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ने दिया है। दोस्तों, मीडिया से लेकर संसद तक जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह बिना बहस के कानून पारित कर दिए जाते हैं, उसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने सरकार को आईना दिखाया है। आजादी के 75वें साल के इस कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने लोकतंत्र के हालात पर चिंता जाहिर की और कहा, राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए, जैसा हम इन दिनों दुखद रूप से देख रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं। चीफ जस्टिस आगे कहते हैं, विपक्ष के नेता बड़ी महत्ती भूमिका निभाते रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच काफी आपसी सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य ये कि विपक्ष की गुंजाइश कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कानूनों को बिना व्यापक विचार विमर्श और पड़ताल के पारित किया जा रहा है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात उस दौर में कही है जब संसद के अंदर विपक्ष को बहरी सरकार, करप्शन या जुमला जीवी जैसे शब्द बोलने पर असंसदीय कह दिया गया है। संसद परिसर के अंदर धरना देने पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि विपक्ष के सांसदों द्वारा लाए गए प्ले कार्ड्स तक में बैन लगा दिया गया है। यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जहां अपने अपने इलाके के सांसद देश की सरकार के आगे अपनी शिकायतें रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं, उसी पर एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लगाने का काम कर दिया गया है। पिछले संसद सत्र में विपक्ष महंगाई और पेगासस जासूसी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करता रह गया, लेकिन हुआ वही जो सरकार चाहती थी। दोस्तों, इस खेल में बहुत हद तक बिकी हुई मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। चैनल और अखबार पूरा वक्त सरकार की जय जयकार में लगे रहते हैं और देश के हर समस्या के लिए उस विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं जो सत्ता में है ही नहीं। पिछले 8 सालों में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कितने धरने दिए, कितने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन मजाल है कि कभी कोई ऐसी खबर चल जाए, कोई टीवी में आपने खबर देखी कि फलाने विपक्ष के नेता ने महंगाई पर यह बोला और बेरोजगारी पर यह किया। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, दिखाया नहीं जाता। विपक्ष जब सरकार से सवाल पूछे तो मीडिया उसे टोटल ब्लैकआउट कर देती है, या फिर ये पूछती है कि राजनीति क्यों की जा रही है। भाई, राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, विपक्ष का काम क्या होता है? और दोस्तों, जनतंत्र में जितनी जरूरी सरकार होती है उतना ही विपक्ष होता है, क्योंकि विपक्ष ही की जिम्मेदारी होती है कि जब जब सरकार कुछ गलत करे, अपनी जिम्मेदारियों से भटके, विपक्ष सरकार की गलतियां उसके आगे रखे, उससे जनता के सवाल पूछे। लेकिन क्या आज विपक्ष की ऐसी हैसियत छोड़ी गई है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलेगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।